सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन। कैसे आप, सब उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के क्वालिफायर टू T20 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच में। दोस्तों, अगर मैच के पूरे अपडेट चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको टॉस, मैच, सेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। ये मैच होने वाला है 26 मई को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद इंडिया में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। पहली टीम गुजरात टाइटंस की बात करें तो जहां 5 मैच में से 3 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं 2 मैच हार के आ रही है। वहीं दूसरी टीम अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो जहां 5 मैच में से 4 मैच जीत के आ रही है और 1 मैच हार के आ रही है। अगर टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पे मुंबई इंडियंस 1 मैच से आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 3 मैचेज में, तो जहां पे गुजरात टाइटंस 1 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं मुंबई इंडियंस 2 मैच जीत के आ रही है। तो यहां पे भी हम लोग देख सकते हैं कि हेड टू हेड में भी मुंबई इंडियंस 1 मैच से आगे चल रही है। ऊपर तो फैन ज्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं। लास्ट 3 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात की जाए तो जहां पे गुजरात टाइटंस का 70% देखने को मिल रहा है, तो वहीं मुंबई इंडियंस का 60% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें तो गुजरात टाइटंस का 172 है, तो वहीं मुंबई इंडियंस का 189 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो गुजरात टाइटंस का 227 है, तो वहीं मुंबई इंडियंस का 218 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो गुजरात टाइटंस का 119 है, तो वहीं मुंबई इंडियंस का 139 है। तो ये रहे दो टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर टीम कंपेरिजन के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे कंपेरिजन के मामले में दोनों का इक्वली फॉर्म देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी, तो हैजी सनशाइन रहेगी, यानी मौसम पूरी तरह क्लियर रहने वाली है। वहीं अगर सेल्सियस की बात की जाए तो 40.6 डिग्री सेल्सियस रहेगी। ह्यूमिडिटी देखें तो 27% रहेंगी, वहीं 1% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है। तो इस पिच पे अभी तक टोटल 25 मैच खेले, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच की फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर की बात करें तो इस पिच पे 160-165 रन में भी जा सकती है। वहीं अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में भी उतना ही रन जाएगी। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो जो भी टीम अगर टॉस जीत के बैटिंग करती है तो वो भी मैच जीत सकती है, जो भी टीम टॉस जीत के बॉलिंग करे तो वो भी मैच जीत सकती है। तो जितने भी अभी तक मैच देखे हैं इस पिच पे, हर एक मैच काफ़ी अच्छा हुआ। रेट भी काफ़ी फ्लक्चुएट किए दोनों तरफ से, तो काफ़ी अच्छा मैच ये भी होने वाला है, उम्मीद करते हैं। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस देखते हैं। तो पहली टीम गुजरात टाइटंस की बात करें, नो डाउट पूरी तरह जबरदस्त टीम है। बैटिंग और बॉलिंग दोनों का कम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल रहा है। तो फाइनली ये क्वालिफायर टू में पहुंच चुकी है। यहां से जो भी टीम अगर हारती है वो डायरेक्ट बाहर, वो डायरेक्ट फाइनल मैच खेलेगी, जो चेन्नई फाइनल में पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी टीम अगर मुंबई इंडियंस की बात करें, नो डाउट ये भी काफ़ी फॉर्म में चल रही है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल सकता है। तो दोनों के बीच में यह मैच काफ़ी जबरदस्त होगा, महा मुकाबला भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के लिए एक तरह से देखें तो डू और डाई का मैच हो सकता है, क्योंकि जो भी मैच जीतेगी डायरेक्ट फाइनल खेलेगी चेन्नई के साथ। तो दोनों टीम पूरी कोशिश करेगी यह मैच जीतने के लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। फिर दो टीमों की की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम गुजरात टाइटंस के की प्लेयर की बात करें तो हार्दिक पांड्या, शुभम गिल, राहुल तेवतिया, राशिद खान। वहीं दूसरी टीम मुंबई इंडियंस के की प्लेयर की बात करें तो रोहित शर्मा, टीम डेविड, ईशान किशन, पीयूष चावला। तो ये रहे दो टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो फाइनली अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए मुंबई इंडियंस हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है और मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।